गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर कंप्यूटर सेशन. एंड आवर फर्स्ट एंड 10th चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, राइट? सो वट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू रिवाइज आवर सिलेबस. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर. दिस इज नो अबाउट कंप्यूटर. वी विल रिवाइज आवर सिलेबस वंस अगेन. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, what is computer? The chapter name is know about computer, so you have to know what is computer. Computer is a electronic machine. Now you have learned this definition many times in 5th standard, 4th standard and from 1st to now. Okay, but first of all you have to know that what is computer and how it will work in our performance. Means अपनी हमारी परफॉर्मेंस के लिए कैसे ये वर्क करेगा. बेटा पहले क्या होता था, कंप्यूटर वॉज डिफाइंड अ मशीन विच टेक्स आर इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस अकॉर्डिंगली. मीन्स जिस तरीके से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, behalf of these instruction it will give the output to us, right? जैसे हमने instruction दी उसी के according वो हमें output दे देता है. But nowadays computer are much more than that. इससे बहुत आगे increase कर गया है. आज के time में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ हम computer को instruction दे रहे हैं उसके according वो हमें result return कर रहे हैं. No, they can be classified in various categories or we can say depending on their usage and application, they can classify in various categories. Means usage के according, जैसे जैसे हम उसको use करते जा रहे हैं और इसके according हम उसको classified कर सकते हैं बहुत सारी categories में. Okay? So, what is computer? Is one of the most brilliant invention of mankind. बहुत अच्छी invention की है mankind ने, men's ने मतलब. It is an advanced electronic machine that takes raw data as input from the user and process these data under the control of set of instructions, जिसको हम क्या बोलते हैं, programs, and according to this gives the result, that is output. We will save the output and for the we can use in a future. बेटा होता क्या है कंप्यूटर के अंदर, कैसे ये वर्क करता है, you have to know that these things. First of all, we will give the input by the help of keyboard. Keyboard से तो input देते हैं, भाई हम उसको instruction provide कर रहे हैं, but computer को कैसे पता चलेगा कौन सी instruction आ रही है, with the help of keyboard. Without it, we can't describe a problem. हम इसके बिना अपनी को problem को बता ही नहीं सकते computer को कि हमें क्या चीज़, किस चीज़ की need है. After that, it will process by the help of CPU. वे टू गैट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, ये एक प्रोसेस है जिससे हम अपना इनपुट प्रोवाइड करके आउटपुट को लेते हैं. आउटपुट इज वॉट, विदाउट इट वी कांट गेट एन आंसर. विदाउट आउटपुट वी कांट गेट एन आंसर, राइट? सो द प्रोसेस इज द ऑन बिहाफ ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. दीज ऑल आर थिंग्स डन बाय दिस प्रोसेस ओनली. ओके, सो वी कैन से owing to computer we have to be able speed up daily work. On the behalf of computer we can say the हमारे जो work हैं वो और ज़्यादा fast हो गए हैं. पहले क्या होता था, हमें किसी चीज़ को type, किसी को paper कोई लिखना है, कुछ देना है, तो हम उसको एक paper हमने लिख कर दे दिया by handwritten, right? Pen से, pencil से. एंड फिर उसी paper को अगर वही same work हमें किसी second person को provide करना होता था, we have to write again, लिखना पड़ता था, राइट? बट nowadays वी कैन टेक प्रिंट आउट एंड सो मैनी प्रिंट आउट वी कैन टेक, हाउ मैनी वी वॉन्ट टू स्प्रेड, हम आराम से उसको स्प्रेड कर सकते हैं कितने भी पेपर्स एक कॉपी बनाने के बाद. सो कंप्यूटर्स ने हमारा वर्क कितना इजी कर दिया और फास्ट कर दिया है, राइट? कैरी आउट क्रिटिकल ट्रांजेक्शन, हम उससे क्रिटिकल से क्रिटिकल ट्रांजेक्शन को भी कैरी आउट कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं. एंड अचीव एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन नेटवर्क. अच्छा, उस टाइम पे क्या था, मतलब अगर हम ऐसे ही वर्क करना चाहें कि पेपर ऑन पेपर हम वर्क कर रहे हैं या फिर हम मैनुअली किसी वर्क को करते हैं, तो उसमें हमें
कि कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, बट बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर दे विल ऑलवेज डू द एक्यूरेट वर्क. कभी कोई चांस नहीं रहता एक्सेप्ट दिस कि हमने कोई मिस्टेक ना की हो. अगर हम उसको कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो इट मे बी पॉसिबल कि वो गलत रिटर्न कर दे आउटपुट, बट अगर हम पूरी ट्रांजेक्शन पूरी इंस्ट्रक्शंस उसको सही प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑलवेज गिव्स द राइट रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, और वी कैन से बाय द हेल्प ऑफ दीज इनपुट आउटपुट प्रोसेस बाय द दिस एग्जाम्पल ऑल्सो एज आई हैव डिस्कस अर्लियर वीडियो ऑल्सो इन अवर डेली लाइफ मैनी एक्टिविटीज इन्वॉल्व द इनपुट प्रोसेस आउटपुट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकिंग हियर इनपुट पुटिंग राइस इन टू अ राइस कुकर. मैंने यहाँ पे क्या किया, राइस कुकर के अंदर राइस डाल दिए, राइट, एंड सेलेक्टिंग कुकिंग प्रोग्राम. हमने कुकिंग प्रोग्राम वहाँ से सेलेक्ट कर लिया. ओके, प्रोसेस में क्या हुआ, कुकिंग राइस अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम स्टेप्स, स्टेप्स के अकॉर्डिंग कुकिंग राइस राइस जो हो रहे हैं वो कुक हो रहे हैं. आफ्टर दैट वी विल गिव आउट, वी विल टेक द आउटपुट, टेकिंग आउट द कुक्ड राइस. हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, कुक्ड राइस. वी कैन ईजीली टेक द आउटपुट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और एब्रिड एग्जाम्पल वन मोर इज हेयर. टेक द इफ द सिचुएशन इज हैडेक एंड टेक द गेट टेक वॉट इज द इनपुट गेट पिल्स. हमें पिल्स लेनी होंगी. देन पिल्स लेने के बाद क्या होगा, दिस विल टेक गिव द आउटपुट. मतलब आउटपुट क्या हो गया, टेक पिल्स. सिचुएशन क्या हो जाएगी, आउटकम्स क्या आएगा हमारे पास, फील बीइंग बेटर. हम क्या करेंगे, फीलिंग बेटर, मतलब हमारा पेन रिड्यूस हो जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आउटपुट साइकिल. नेक्स्ट इज दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर. बेटा क्या क्या हमें उसके फायदे होते हैं, इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस. हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीच. हाउ स्पीच, स्पीड इज ऑलवेज फास्ट अकॉर्डिंग टू मैनकाइंड. और वी कैन से अगर हम ह्यूमन बींग्स कोई काम करते हैं तो इट विल टेक मोर टाइम, राइट. अगर हमें कुछ काम करने के लिए दे दिया जाए तो बहुत टाइम लेते हैं हम लोग उसको समझने में, उसको करने में, और एक तरह का वर्क हमें अगर बार बार हम फेडअप भी हो जाते हैं. बट कंप्यूटर नेवर टायर्ड, सो इट्स स्पीड विल बी ऑलवेज फास्ट. हमेशा स्पीड फास्ट होगी. ओके, सो स्पीड वी कैन से कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एज इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस और कैलकुलेशंस. सो दी दैट वी कैन टेक्स आवर्स टू कंप्लीट. इन शॉर्ट इट कैन परफॉर्म्स मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस एंड इवन मोर पर सेकेंड में वो अपने बहुत बड़ी कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर देता है. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, सॉरी ऑटोमेशन. ऑटोमेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेटिकली. आप इसको ले सकते हो, इससे इससे कंपैरिजन कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कंप्यूटर को सिर्फ एक बार प्रोग्राम लिखना होता है, आफ्टर दैट इट विल टेक अगेन एंड अगेन सेम टास्क ऑटोमेटिकली. लाइक रोबोट, रोबोट में हमने एक प्रोग्राम लिख कर उसको दे दिया, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अगेन एंड अगेन परफॉर्म द सेम टास्क मैनी टाइम्स, राइट. नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी. वर्सेटिलिटी होता है कि यार बेटा कंप्यूटर को अगर हमने एक काम दे दिया, कोई वर्क दे दिया, और परफॉर्म्स टाइप ऑफ एक टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क भी कर सकता है. कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट अ टाइम. जैसे कंप्यूटर पे आप कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो और आपके रिपोर्ट के साथ साथ आपको म्यूजिक भी सुनना है साइमल्टेनियसली. सो यू कैन ईजीली डू दीज टास्क वेरी फ्लुएंटली, मतलब आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विल अकर. ओके, सो दिस इज द वर्सटैलिटी. नेक्स्ट इज लॉजिकल. बेटा इसमें लॉजिकल होता है, मीन्स लॉजिक्स लगाए जाते हैं. किसी भी टास्क को अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप इसमें लॉजिक परफॉर्म करते हो. अकॉर्डिंग टू लॉजिक यू विल पुट द फॉर्मूला फॉर दिस प्रॉब्लम एंड गेट द आउटपुट ईजीली. सो दिस इज डिपेंड ऑन लॉजिकल थिंकिंग.
और वी कैन से लॉजिक्स हमने उसमें पुट किए और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट आ जाता है. नेक्स्ट इज मेमोरी. मेमोरी इज व्हाट? मेमोरी इज व्हाट? वी कैन सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर फॉर मैनी टाइम्स, मोर एंड मोर ईयर्स वी कैन ईजिली सेव. डायलिजेंस मीन्स इंटेलिजेंसी से वर्क करता है. यहाँ पर डायलिजेंस से मीनिंग क्या हो गया आपका? इंटेलिजेंसी से वर्क करता है. इसमें आपका ऐसा कोई चांसेस नहीं होता कि आपको कंप्यूटर को बार बार कोई चीज़ बताई जा रही है. आपने एक बार उसमें अंदर परफॉर्म कर दिया कोई टास्क, वी कैन ईजिली डू द वर्क विथ वेरी एक्यूरेसी एंड डेलीजेंसी. एक्यूरेसी मीन्स परफेक्ट तरीके से. इट ऑलवेज प्रोवाइड द एक्यूरेट रिजल्ट. बस इसमें क्या होना चाहिए कि हमने उसका इनपुट जो दिया है इट शुड बी करेक्ट ऑलवेज एंड देन वी विल गेट द परफेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर. रिलायबिलिटी. वट इज रिलायबिलिटी? मीन्स वी हैव टू रिलायबल ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच इज़ प्रोवाइडेड बाई कंप्यूटर. हमें उसके ऊपर रिलायबल होना चाहिए कि जो भी हम इसमें वर्क करा रहे हैं इट ऑलवेज विल बी रिलायबल. सो लेट्स सी. फर्स्ट वन इज स्पीड. सी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज स्पीड. फास्ट. दिस इज फास्ट डिवाइस. वर्क डन एज एनॉर्मस स्पीड एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स. बेटा हम कोई भी वर्क करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स से अगर कंपेयर करें तो उसको स्पीड क्या होगी? एनॉर्मस वे में होगी. राइट? स्पीड एनॉर्मस मतलब डिफरेंट वे, और वी कैन से फास्ट. एनॉर्मस स्पीड एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स. स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन टर्म्स माइक्रोसेकेंड और नैनो सेकेंड एंड अवर आर पिको सेकेंड. दीज ऑल आर द मेजरमेंट फॉर द स्पीड. ओके, सो यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स बाय दिस डायग्राम. स्पीड इज वॉट? मीन्स फास्ट डिवाइस. वी कैन डू द वर्क एज सून एज, अगर हमें बहुत जल्दी से कोई वर्क चाहिए होता है तो वी कैन ईजिली डू द ऑन अ कंप्यूटर एंड गेट द आउटपुट. नेक्स्ट इज हियर एक्यूरेसी. वर्क्स विद highest accuracy. Accuracy depends upon the designing of computer. Designing से मतलब क्या होता है यहाँ पे? कि हमने उसकी designing कैसे की है, हमने उसका जो hardwares use किए हैं उसमें जो हमारा configuration है वो कैसा लिया है, किस type की हमने memory use की है. These all are depend on accuracy. Errors occur are mostly human errors rather than technological error. ज़्यादातर ऐसा होता है कि humans की error होती है, technologically कोई error नहीं होती है. हमने कोई बाई mistake उसमें कोई गलती की है तो ही हमें output गलत मिलेगा, ये as we discussed earlier. Okay? Humans errors are like wrong commands, inaccurate data inputs, etc. So this is accurate gives the always accurate result. Next is versatility. Versatility means can perform all kinds of jobs simultaneously. Okay? मतलब हम एक साथ एक से ज़्यादा systems पे work आराम से कर सकते हैं. Can do diverse nature of works like calculations, graphics, work, searching, etc. at the same time. हम सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं. Okay? Next is reliability. Reliability means we have to remember all these things. Reliability, हम अगर उस पर कोई password apply कर देते हैं, कोई मैसेज हम उस पर ट्रांसफर कर रहे हैं, पासवर्ड हमने उस पर अप्लाई कर दिया, तो वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि अब वो हमेशा हमें करेक्ट रिजल्ट रिटर्न करेगा. ऐसा नहीं है कि हमने उसमें पासवर्ड लगा दिया वो हैक हो जाएगा. हैक करने की परमिशन, हैक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम उस पर रिलायबल नहीं करेंगे. हमें हमेशा उस पर रिलायबल होना होता है. ओके, क्योंकि वो हमेशा हमें करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है. ओके, वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड द securities on our documents. Next is storage system. We can say memory also can be internal, external or remote. Means हम इसमें बहुत सारी अपनी memory को store, बहुत सारी memory को add कर सकते हैं. कुछ तो इसमें internal होती ही है, but कुछ हम इसमें external memory को भी use कर सकते हैं. Like हम अलग से RAM की increase कर सकते हैं, hard disk लगा सकते हैं. Are non-volatile. ये कौन सी मेमोरी यूज़ करता है? ये नॉन वोलेटाइल यूज़ करता है. यूजली यूज रैंडम एक्सेस. कैन बी सिक्वेंशली. सिक्वेंशली मतलब आप एक सिक्वेंस में इसको आप लगा सकते हो. लॉजिकल फाइल रिप्रेजेंटेशन. द यूज़र व्यू ऑफ द वे डेटा इज स्टोर्ड. कि आपने उसमें किस तरीके से डेटा को स्टोर किया है.
यूज़र उसमें कैसा वे देखना चाह रहा है, आप इसके अकॉर्डिंग भी अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो कि आपको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है आप उसको सीक्वेंस में रखो, राइट। फिजिकल फाइल रिप्रेजेंटेशन, यू कैन से द एक्चुअल फिजिकल वे डेटा इज स्टोर्ड इन स्टोरेज मीडिया एज व्यू बाय द कंप्यूटर। बेटा ये सब चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है आप इसको सर्च करने लगो अपने बुक में जाकर, नो वहाँ पर ये आपको नहीं मिलेगा, बट आपको समझ में आना चाहिए। आप जब ये वीडियो देखो तो आपको रिमेम्बर होना चाहिए दीज थिंग्स कि आपने क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स रीड की थी। ओके, सो नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस ऑफ द कंप्यूटर। बेटा लिमिटेशंस क्या का मीनिंग होता है आपका, क्या कि क्या क्या उसके अंदर कमियां हैं। भाई कुछ तो कमियां भी है, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं तो कमियां भी होंगी 100%, राइट। लिमिटेशंस क्या क्या है, डिपेंड्स ऑन यूज़र इनपुट, ये हमेशा क्या होता है, यूज़र इनपुट पर डिपेंड करता है। ओके, कंप्यूटर हैव नो इमेजिनेशन, वो कुछ इमेजिन करके नहीं कर सकता, हमेशा वो डिपेंड किस पे है, ह्यूमंस पर। जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे इट विल परफॉर्म द ऑपरेशन। ओके, कैन नॉट डिटेक्ट एरर्स इन लॉजिकल, मीन्स वो अब एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता है जब तक हम उससे कोई प्रोग्रामिंग नहीं लगाते हैं। सो इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन ह्यूमन बींग, ओनली एक्सपर्ट यूजर कैन वर्क ऑन इट। हाँ ये तो सच है, जो एक्सपर्ट होगा वही इससे वर्क कर सकता है, अदरवाइज सबका सबका आराम से इस पर काम नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में जैसे आप लोग पढ़ रहे हो आप इसमें धीरे धीरे सीखते हो कि हम इससे क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं वो, बट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, अपने आप से इस पर कोई वर्क नहीं हो सकता। हमें इसके लिए अप्लाई करने होते हैं अपने कुछ प्रोग्राम्स जिसके बिहाफ पे सारा वर्क परफॉर्म करता है। ओके, सो दीज ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। ओके, ऑल टॉपिक्स विच इज लेफ्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। यू हैव टू डू दिस व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द चैप्टर वंस अगेन फ्रॉम योर वीडियो एंड बुक। ओके, थैंक यू।